बहुत सारे ख्वाबों की ताबीर जानने के सिलसिले में आज की हमारी ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। आज का पहला ख्वाब है ख्वाब में लड़ाई देखना। अगर किसी शख्स ने ख्वाब में अपनी किसी से लड़ाई होते हुए देखी है तो ये ख्वाब अच्छा नहीं है, बल्कि ख्वाब देखने वाले के हक में इसकी ताबीरें मुख्तलिफ हैं। एक ताबीर तो ये है कि ख्वाब देखने वाला किसी बीमारी में मुबतला होगा। जिसने लड़ाई की है, ये लड़ाई ख्वाब में देखी है, वो किसी बीमारी में मुबतला होगा। और अगर ख्वाब में लड़ाई में वो गालिब आ गया तो उस मर्ज़ और बीमारी से बहुत जल्द छुटकारा और नजात पा लेगा। यानी अगर लड़ाई में जीत गया, गालिब आ गया और उसका मद्दे मुकाबिल मगलूब हो गया, तो फिर ख्वाब देखने वाले के हक में ये ख्वाब बहुत अच्छा और बहुत सारी खैर और भलाइयों का ज़रिया साबित होगा। दूसरा ख्वाब है ख्वाब में गोश्त देखना। अगर किसी शख्स ने ख्वाब में गोश्त देखा है तो याद रखें, ख्वाब में कच्चा गोश्त देखना अच्छा नहीं होता, बल्कि ख्वाब देखने वाले को किसी बीमारी के लाहिक होने या इसी तरीके पर किसी मुसीबत में मुबतला होने की या उसके अपने भाइयों की जानिब से गम और परेशानी मिलने की दलील और निशानी हुआ करता है। गोया कि ये तीन ताबीरें हुई, इन तीन ताबीरों में से कोई भी एक ताबीर हालात के एतबार से जो मुनासिब होगी वो फिट हो सकती है। तीसरा ख्वाब है कुत्ता देखना। अगर किसी शख्स ने ख्वाब में कुत्ता देखा है तो याद रखें, ख्वाब में कुत्ता देखना अच्छा नहीं होता है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि कुत्ते का मतलब कोई कमीना और मेहरबान दुश्मन है। यानी कोई ऐसा आदमी आपके पीछे लगा हुआ है जो जाहिरन आपके साथ हमदर्दी और मेहरबानी करते हुए और प्यार और मोहब्बत को जतलाते हुए ज़िंदगी गुजार रहा है, हकीकत में वो आपको अजियत और तकलीफ़ पहुंचाने के लिए मौके की तलाश में है। यानी कुत्ते का ख्वाब में देखना भी अच्छा नहीं होता है। चौथा ख्वाब है इत्र देखना। अगर किसी शख्स ने ख्वाब में इत्र और खुशबू देखा है तो याद रखें, ये ख्वाब बहुत अच्छा होता है और इसकी ताबीर ये होती है कि ख्वाब देखने वाला नेक होगा, नफ़ा और हक की बात कहने वाला होगा। यानी ख्वाब देखने वाला मिजाज के एतबार से नेक होगा, सही और सच्ची बात कहने की उसकी आदत होगी, वो हक का साथ देने वाला होगा। पांचवा ख्वाब है तलाक देना। किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी है तो याद रखें, यह कोई घबराने और डरने की परेशानी की बात नहीं है। यानी ख्वाब में तलाक देने से तलाक नहीं होती है, अलबत्ता इसकी ताबीर ये होती है कि ख्वाब देखने वाला अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम करेगा जिस पर वो पशेमान होगा, शर्मिंदा होगा और उसको ये एहसास होगा कि मैंने ये क्या कर लिया है। कोई ऐसा काम इस ख्वाब देखने वाले से सरजद होगा। छठा ख्वाब है बीवी से सोहबत करना। अगर किसी शख्स ने ख्वाब में अपनी बीवी से सोहबत और हमबिस्तरी करते हुए देखा है तो ये ख्वाब भी अच्छा है और इस बात की निशानी है कि ख्वाब देखने वाले की बीवी उसकी मुती और फर्माबरदार होगी और ख्वाब देखने वाला अपने दिल की बात उससे कहेगा और वो उसके राजदार होगी। यानी उसकी बात लीक नहीं करेगी, उसके राज को फाश नहीं करेगी। सातवां ख्वाब है शादी देखना। अगर किसी शख्स ने ख्वाब में शादी देखी है तो इसकी ताबीर ये है कि अगर ख्वाब देखने वाला कवारा लड़का या लड़की है तो इंशाअल्लाह जल्दी निकाह और शादी होगी। और अगर यही शादी का ख्वाब कोई शादीशुदा मर्द या औरत देखे तो फिर इसका मतलब और ताबीर और मीनिंग ये होती है कि इंशाअल्लाह इस ख्वाब देखने वाले को कोई खुशी नसीब होगी। आठवां ख्वाब है ख्वाब में सांप देखना। अगर किसी शख्स ने ख्वाब में सांप देखा है तो याद रखें, सांप देखना ख्वाब में अच्छा नहीं होता, बल्कि ख्वाब में सांप देखने का मतलब रियल ज़िंदगी में दुश्मन से होता है। यानी ख्वाब देखने वाले का हकीकी ज़िंदगी में, रियल ज़िंदगी में कोई दुश्मन होगा और अगर सांप ने इसको ख्वाब में अजियत और तकलीफ़ पहुंचाई है तो हकीकी ज़िंदगी में, रियल ज़िंदगी में जो इसका दुश्मन होगा वो उसको अजियत और तकलीफ़ पहुँचाएगा। नवा ख्वाब है जमजम पीना। अगर किसी शख्स ने ख्वाब में अपने आप को आब जमजम पीते हुए देखा है और ख्वाब देखने वाला बीमार है तो फिर इसकी ताबीर ये है कि इंशाअल्लाह
ये बीमारी से सेहत और शिफा पाएगा। और अगर बीमार नहीं है, सेहत और तंदुरुस्त आदमी ने ख्वाब में जमजम पीते हुए देखा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये अल्लाह के दीन की खिदमत करेगा, अल्लाह ताला अपनी दीन की खिदमत का काम इससे लेगा। दसवां ख्वाब है ख्वाब में रोना। अगर किसी शख्स ने ख्वाब में अपने आप को रोते हुए देखा है तो ये ख्वाब भी अच्छा होता है और दीन और दुनिया दोनों एतबार से मालामाल होने और खुशियाँ नसीब होने की अलामत और निशानी हुआ करता है। ग्यारहवां ख्वाब है डूबना। अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि वो पानी में डूब गया है तो इसकी दो शक्लें हैं, या तो डूब कर जिंदा निकल आया होगा या डूब कर मर गया होगा। अगर डूब कर जिंदा निकल आया तो फिर इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाले का दुनिया से दिल उकता जाएगा, अब ये दीनी एतबार से बहुत मजबूत होगा और दीन की जानिब इसकी बहुत रगबत और तवज्जो होगी। और अगर ये डूब करके मर गया है तो फिर इसकी ताबीर ये है कि ये दुश्मन के हाथों हलाक होगा, दुश्मन की जानिब से इसको अजियत और तकलीफें पहुंचाई जाएंगी। बारवा ख्वाब है दांत गिरना। अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि उसके दांत गिर गए हैं या टूट रहे हैं तो ये ख्वाब अच्छा होता है और इसका मतलब और मीनिंग ये होता है कि ख्वाब देखने वाले की उम्र दराज होगी, ज़िंदगी में खूब राहत और खुशियाँ पाएगा और साहिब अक्ल होगा, अक्लमंद होगा। तेरहवां ख्वाब है खून देखना, ब्लड देखना। अगर किसी शख्स ने ख्वाब में खून देखा है, ब्लड देखा है, तो ये ख्वाब अच्छा नहीं होता। हराम माल मिलने या आमदनी के हराम होने या हराम लुकमा पेट में चले जाने की निशानी और अलामत हुआ करता है। जिसने ब्लड देखा है वो गौर फिक्र करे कि कहीं उसने हराम कमाया तो नहीं, हराम खाया तो नहीं, और गौर फिक्र करने के बाद अगर हराम की कहीं से भी किसी भी तरीके की आमेजिश हो तो उससे बचने की जो भी जाहिरी तदबीर हो सकती है उसको ज़रूर इख्तियार करे और आइंदा के लिए अल्लाह से तोबा करे। चौदहवां ख्वाब है हज करना। अगर किसी शख्स ने ख्वाब में अपने आप को हज करते हुए या हज की तैयारियाँ करते हुए देखा है तो इसका मतलब ये है कि ख्वाब देखने वाला नेक होगा, ज़िंदगी पुरसकून गुजरेगी। और अगर हज का ख्वाब ये कोई बीमार देखे तो इंशाअल्लाह वो सेहत और तंदुरुस्ती पाएगा। पंद्रहवां ख्वाब है कारोबार में नुकसान कड़वा। पंद्रहवां ख्वाब है जामन देखना। किसी शख्स ने ख्वाब में जामन देखी है तो फिर इसका मतलब ये होता है कि अगर जामन दरख्त पर लगी हुई हैं या इसी तरह ज़मीन से उठाकर उसने खाई हैं या देखी हैं तो फिर हलाल रोज़ी मिलने की निशानी और अलामत हुआ करता है। सोलहवां ख्वाब है तालाब देखना। किसी शख्स ने ख्वाब में पानी का तालाब देखा है तो इसकी ताबीर ये होती है कि अगर साफ पानी का तालाब है तो इंशाअल्लाह ख्वाब देखने वाले को खुशी नसीब होगी, और अगर गंदे पानी का तालाब है तो ख्वाब देखने वाले को किसी बीमारी के लाहिक होने की अलामत और निशानी हुआ करता है। सत्रहवां ख्वाब है बादाम देखना। अगर किसी शख्स ने ख्वाब में बादाम देखा है तो याद रखें बादाम का ख्वाब अच्छा होता है और तरक्की दौलत की दलील होता है। इंशाअल्लाह ख्वाब देखने वाले की दौलत में, उसके माल में बरकत और तरक्की होगी और अल्लाह ताला किसी न किसी तरीके की खैर से उसको ज़रूर नवाजेगा। तो ये हमने आप हज़रात की खिदमत में मुख्तलिफ चीज़ों से मुतालिक 17 ऐसे ख्वाबों की ताबीरें पेश की हैं जिनकी ताबीरें लोग आम तौर पर जानना चाहते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लिप और वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों से शेयर कीजिए, और इन ख्वाबों के अलावा अगर आप अपने किसी ख्वाब की ताबीर हमसे जानना चाहते हैं तो उसका तरीक़ा ये है कि आप हमारी किसी भी वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाएँ और अपना ख्वाब लिखते हुए नाम बताएँ, और जिसने ख्वाब देखा उसके बारे में चंद ज़रूरी बातें हमसे शेयर करें। ख्वाब किसने देखा है, मर्द ने या औरत ने, शादीशुदा है या कवारा है, ख्वाब देखने से पहले इस्तिखारा तो नहीं किया था, जहां ख्वाब देखा वहां का मौसम कैसा है, ख्वाब रात में देखा है या दिन में, ये चंद बातें हमसे उसके बारे में शेयर करें। फिर जुमे का इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह जुमे की वीडियो में हम आपके ख्वाब की ताबीर ज़रूर बयान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।